अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों का कुछ टाइम रिक्वायर है, 10 to 15 मिनट्स, राइट। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वो किसी टाइम फ्री होते हैं, किसी ने कहा कि वो किसी टाइम फ्री होते हैं, राइट। तो इस वजह से मैंने ये स्मॉल 5 to 10 मिनट्स की ये वीडियो ये बना के अपलोड की है, सही। तो सिंपली आपको जो सेकेंड असाइनमेंट जो रिसर्च बेस्ड है, सही, जो सेकेंड असाइनमेंट आपको सबमिट करवानी है, उसमें मैं आपको टॉपिक दूंगा और वो टॉपिक आप जो सर्च कर सकते हैं, राइट। जैसे सिंपली आप ये गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, राइट। गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे कोई भी टॉपिक नेम लिखेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे IoT है, राइट। आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं, मीन्स अवेलेबल पेपर जो हैं उस टॉपिक पर, वो आपको शो करा देगा, राइट। जैसे ये पेपर 2018 में पब्लिश हुआ है, 2015 में, 2017 में, राइट। या इसके अलावा आप कोई और लाइक लेट्स सपोज हम क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी का सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कि ये पेपर पब्लिश हुआ है 2013 में, 2016 में, 2012 में। तो लेकिन हमें जो सर्च करना है वो हमें एक रेंज में सेलेक्ट सर्च करना है, फ्रॉम 2020 टू 2021, राइट। मीन्स इधर आप ईयर वाइज, मीन्स आप 2020 से 2021 तक सर्च कर सकते हैं, या अगर आपको अगेन 2018 से 2021 तक सर्च करना है तो वो। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी लेटेस्ट पेपर हों हम वो सर्च करें, ठीक। तो इस वजह से हम इधर 2020 से 2021 तक का सर्च करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तो भी मीन्स लेटेस्ट पेपर होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है उसने हमें यहाँ पे लेटेस्ट पेपर दे दिए सारे, लाइक 2020 में, ये भी 2020 में, ये 2021 में। तो सिंपली इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे, मीन्स हमें पेपर तो मिल गया टॉपिक से रिलेटेड, इसको हम डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। इसके दो वे होते हैं, या तो हम सिंपली इसको मीन्स इसका जो ऑथर है उसको ईमेल करके उससे रिक्वेस्ट करेंगे, काइंडली आप हमें ये पेपर दे दें। या फिर सेकेंड वे ये होता है के डिफरेंट वेबसाइट हैं जहाँ से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे साहब हो गया, जी लाइब्रेरी हो गया, तो हम साहब से करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपली इसको आप नेक्स्ट स्टेप में जो है मैं ओपन करता हूँ, राइट। तो अब इधर मैं सिंपली साहब लिखता हूँ, राइट। तो ये सारे अब हम ओपन करते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट पे आप जो है वो URL, PMID या DOI जो मैंने अभी कॉपी किया है उसके थ्रू आप यहाँ पे जो है इसको सर्च कर सकते हैं। और सिंपली हमने यहाँ वहाँ से जो DOI यहाँ पे कॉपी किया था वो इधर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये पेपर जो था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। राइट, तो ये पेपर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप जो है इसको सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये प्रोसेसिंग इसकी पूरी हो जाए तो आप सिंपली यहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे आपको 6 पेपर्स जो हैं वो डाउनलोड करने हैं, जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, राइट। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 6 पेपर डाउनलोड करने हैं अपनी सेकेंड असाइनमेंट के लिए। और सिंपली उसको आपको क्या करना है, आपको उसके लिए उसकी समरी लिख कर जो है ना मुझे सबमिट करवानी है, राइट। तो एक चीज़ तो मैंने ये की थी सेकेंड असाइनमेंट से रिलेटेड, और दूसरा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो मैंने आपको कहा था, मैं अगेन आपको बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था जैसे मैं ये अभी OS चला रहा था, जो Windows 7 में ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी Windows 7 पे ही ये मीन्स Windows 10 भी इस पे मैंने जो है वो इंस्टॉल की हुई है। तो ऐसे हम एक OS पे दूसरा OS भी रन कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल सारी फंक्शनलिटी वैसे ही करेगा जैसे नॉर्मल Windows 10 की होती है, राइट। तो यहाँ आप एक OS से दूसरे OS पे भी, तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये चीज़ भी आपको सेकेंड आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें आपको शो करना है, ठीक। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं
ट्राई करूंगा उनको छोड़ करने की। थैंक यू।